वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज फिर से मेरे किचन में। और बना रही हूँ बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ क्यों आ रही गले में खराश। एनीवेज, आज मैं आप लोगों के साथ बना रही हूँ दोस्तों नवाबी पनीर। पनीर की मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की हुई हैं और आज एक ये नई रेसिपी। तो ढाबा स्टाइल पनीर बता चुकी हूँ मैं आपको, चिली पनीर और कौन सी पनीर भुर्जी, तो कई अभी मुझे सडनली याद नहीं आ रही हैं। कई रेसिपीज ट्राई करी हैं मैंने, आपको दिखाई हैं मतलब अपने चैनल पे, और आज ये नई रेसिपी है, फिर से मैं इसको आपके साथ बना रही हूँ। तो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिलीशियस होती है। रेस्टोरेंट में तो कई बार खाया है, घर पे आज मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे तो आलस्य में नहीं बना रही थी, बट आज मूड हो गया कि बनाना ही है। चल तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी प्रिपरेशन की हुई है और कुछ चीज़ें जो ग्राइंड करनी है वो मैं आपको अभी क्लिप दिखाने के बाद फिर उसको ग्राइंड करूंगी। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने तेज पत्ता ले लिया है, दो तेज पत्ते लिए हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ली है कसूरी मेथी। यहाँ पे है मेरे पास एक बड़ी इलायची, आप देख सकते हैं, दो छोटी हरी वाली इलायची है, तीन लौंग है और एक छोटा पीस दालचीनी का है। यहाँ पे मैंने ली है काली मिर्च, क्योंकि इस रेसिपी में हम रेड चिली या चिली पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, लाल वाली मिर्च, तो इसके लिए यहाँ से थोड़ा सा इसको टेस्ट, इसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस करेगा। और ये है थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको दो घंटे पहले भिगा लिया था, काजू, और ये बादाम है तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगा दिया था और पील कर लिया है। और नीचे मैं दिखा दूँ, एक्चुअली बाउल मेरा थोड़ा छोटा ले लिया मैंने, रुके मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। वेट, मैंने इसको भिगा लिया था गाइस। इसमें 10-12 ये हैं आपके काजू और 10-12 ही इसमें मैंने बादाम लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर, ये खसखस के दाने हैं, पॉपी सीड भी बोलते हैं इनको। तो ये मैंने लिया है 2 चम्मच और इनको गर्म पानी में आपको भिगा देना है। तो मैंने भिगा करके पानी स्ट्रेन कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक प्याज है मीडियम साइज की, उसके साथ 6 क्लोव्स मैंने लहसुन के लिए हैं, और इस तरह के 2 छोटे टुकड़े मैंने अदरक का लिया है ये, और ये देखिए। और मैंने इसमें 2 मिर्च ली हैं, वो भी नीचे दब गई हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा दही, ये घर का बना हुआ दही है और खट्टा बिल्कुल भी नहीं है, फेंट लिया है मैंने। यहाँ पे केसर के धागे थोड़े से मैंने स्ट्रिंग्स यहाँ भिगा दी थी दूध में, गर्म दूध में, तो इसका भी अच्छा कलर आ गया है। और यहाँ पे मैंने पनीर ली है जो कि 400 ग्राम पनीर है, और इसमें हम लास्ट में डालेंगे केवड़ा वाटर, केवड़ा जल, तो वो भी थोड़ा सा इसको अरोमा भी अच्छा देता है और इसके टेस्ट को भी बढ़ाता है। तो चलिए फिर मैं अभी पहले इसका पेस्ट बना लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। तो मुझे प्याज लहसुन अदरक वाला एक पेस्ट चाहिए और दूसरा ये खसखस और काजू और बादाम जो मैंने रखे थे उनको मैं पेस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए कढ़ाई में मैंने ले लिया थोड़ा सा घी और उसमें डाल दिया थोड़ा सा बटर। तो रेसिपी थोड़ी सी रिच तो होगी ही। और यहाँ पे मैंने पेस्ट भी बना लिया है। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमारा घी हल्का सा मेल्ट होगा, बहुत इसको हमें हीट नहीं करना है, तो हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे जीरा। और उसके बाद डालेंगे हम ये खड़े मसाले, जिसमें कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और ये छोटा पीस दालचीनी का।
इसको हम भून लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे डालेंगे हम 2 तेज पत्ते। और ये जो हमने प्याज लहसुन मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था तो वो ले लेंगे। इसमें मिर्च हमें बहुत तीखी वाली नहीं यूज़ करनी है, तो 2 बहुत छोटी वाली मिर्चें मैंने यूज़ की थी गैस, जो कि तीखी भी नहीं थी ज़्यादा। अब इस मसाले को हमें भूनना है जिससे कि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए, तब तक हमें इसको भूनना होगा, क्योंकि अगर जरा सा भी इसका कच्चापन रह गया ना मसाले में तो हमारी डिश में टेस्ट नहीं आएगा। चलिए फिर इसको भून लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है। अभी इसमें से वो कच्चा वाला फ्लेवर भी नहीं आ रहा है, रॉ फ्लेवर इसका जो आता है। और अब ये थोड़ा थोड़ा कढ़ाई को भी छोड़ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। और इसको हमें लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है। और इस स्टेज में हम ये जो हमने काजू बादाम और खसखस को पीस के रखा था उसको ऐड कर देंगे। और इसको भून लेंगे अच्छे से। इसको हमने गरम पानी में बॉईल कर लिया था 2 घंटे पहले। अब हम थोड़ी देर इसको भी भून लेंगे। ये पेस्ट हम इसलिए डालते हैं जो कि इसके फ्लेवर को काफी रिच करता है, इसकी कंसिस्टेंसी और फ्लेवर दोनों को ही काफी रिच करता है, इन्हेंस करता है। तो अभी हम इसको भी थोड़ा सा हम अपनी आंच और बढ़ा रहे हैं। सिम पे था बिल्कुल, हमने इसको मीडियम हीट पे कर लिया है और अब हम इसको लगातार बस चलाते ही रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने सिम पे कर लिया है अपना फ्लेम। और यहाँ पर देखिए, आप जितना गाढ़ा या जितना पतला पेस्ट डालेंगे, कोशिश करिए इस डिश के लिए आप थिक पेस्ट ही बनाइए, प्याज का भी और ये ड्राई नट्स का भी। तो उससे क्या है, कम टाइम में आप जल्दी बना लेंगे। और इसका अभी हो गया है, ये भी मुझे 5 से 7 मिनट हो गया इस मसाले को भूनते और बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें। अभी मैं यहाँ पे दही ऐड करूँगी। दही बिल्कुल आपको खट्टी नहीं लेनी है। और दही डालने के बाद भी हम इसको चलाते रहेंगे। अभी तक नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि दही फट सकती है ना, तो इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। और जब दही भी हो जाएगी तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इसको हमें लगातार चलाते रहना है। दोस्तों यहाँ पे धीमी आंच पे ही मैंने ये दही डालने के बाद इसको 5 मिनट तक चला लिया है अच्छे से। और इसको एकदम सिम आंच पे ही करिएगा, नहीं तो बहुत तेज पे करेंगे तो आपका दही फट भी सकता है। और देखिए बिल्कुल एक सार हो गया है मसाला हमारा। और यहाँ पे इस पोजीशन में ऐड करेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा नमक नहीं जाता है। और इसी समय हम इसमें ऐड करेंगे ये हमने जो रखा हुआ है कसूरी मेथी, तो इसको थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर और अच्छे से इसमें इंक्लूड हो जाए। और इसको हम मिला लेंगे। इस रेसिपी के लिए गाइज आपको इसकी कंसिस्टेंसी सही रखनी है, तो आप इसमें पानी मत ऐड करिए इसमें। अब इसके बाद जो भी इसकी कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए होगा वो हम इसमें दूध ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे यहाँ पे।
और मिल्क आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें। अब बस हमारी डिश फिनिशिंग की तरफ बढ़ चुकी है दोस्तों, और इस समय हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। और इसको आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे सिम पे गैस करके और तब आप इसको चला लीजिए, जिससे कि ये टूटे नहीं, डैमेज नहीं हो जाता। देखिए, और अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए हमें जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना हम इसमें अब दूध ऐड करते जाएंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। और अभी भी ये मुझे काफी थिक लग रहा है, तो मैंने इसमें लगभग 250 ग्राम दूध ऐड कर दिया है, और इसको हम आराम से चला लेंगे। और इसमें बॉयल आने देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से बॉयल आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं ये बॉयल आ रहा है इसमें। और इस टाइम में हम ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आधा चम्मच ही हमने लिया है काली मिर्च, तो ये भी हम लास्ट में ही ऐड करेंगे। ये इसको एक बैलेंस फ्लेवर देगा, क्योंकि दूध भी इसमें पड़ा हुआ है और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो काफी रिच हो चुका है ये। और लास्ट में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये अपना केसर वाला दूध, इसमें थोड़ा ही डालना है हमें, इससे इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा कलर आ गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। थोड़ा और पास से दिखाती हूँ मैं आपको, बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको और हम थिक होने देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे, और ज़्यादा चलाएंगे नहीं। और लास्ट में हमने थोड़ा सा केवड़ा जल लिया हुआ है, तो वो लास्ट में जब हम बंद कर देंगे तब ऐड करेंगे इसमें। चलिए इसमें बॉयल आ जाने देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अच्छे से बॉयल भी हो गई है और थिक भी हो गई है, और यहाँ लास्ट में हम डाल रहे हैं केवड़ा जल। इसको मिला के 2 मिनट के लिए ढक देंगे हम, कवर दो इसको, ये ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे तैयार है मेरी नवाबी पनीर, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, महक रही है। और अब हम इसको खाएंगे, फिर आपको बता पाऊंगी कैसा बना है, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा बना है गाइस, जरूर ट्राई करिए। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा चख लिया है, बहुत अच्छी बनी है, तो चीटिंग नहीं करती हूँ मैं, आपको बता देती हूँ कि हाँ मैंने थोड़ी सी चखी है इसको, और बहुत डिलिशियस है। बनाइए, खाइए, और लाइक दीजिए मुझे, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर पहली बार है मेरे चैनल पर तो। और अगर आप रेगुलर मेरे व्लॉग देखते हैं गाइस, तो ज़रूर आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।